आइए दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स का मार्केट, जिससे कि एमसीक्यू एकदम कम से कम सर कितना नंबर का आता है, 20 मार्क्स का आता ही आता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपका इकोनॉमिक्स का। तो देखिए, आपने 12 में पढ़ा होगा अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है, बट नहीं लिया है तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए और आइए देखते हैं मार्केट में क्या होता है। सर, क्वांटिटी आपने देखा था कि जैसे कि प्रोडक्ट बनाते थे तो मार्जिनल प्रोडक्ट होता था, एवरेज प्रोडक्ट होता था, उसी तरह मार्केट में आइए एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक चीज़ का प्राइस 10 रुपया है, आप एक क्वांटिटी खरीदते हो, तो सर उसका टोटल रिवेन्यू जो इन दोनों को गुना करेंगे तो 10 रुपया हुआ। तो 10 रुपया आपका क्या हुआ, टोटल रिवेन्यू हुआ। TR का मतलब टोटल रिवेन्यू, नोट कर लीजिएगा सर। टोटल रिवेन्यू हुआ 9 × 2 = 18, टोटल रिवेन्यू 8 × 3 = 24, 7 × 4 = 28, 6 × 5 = 30, 5 × 6 = 30। तो ये आपका टोटल रिवेन्यू हुआ। तो एवरेज रिवेन्यू कैसे निकलता है सर, ये 10 को जो है, ये 10 है, ये देखिए एवरेज रिवेन्यू 5 होगा। एवरेज मतलब टोटल रिवेन्यू बाई क्यू, तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये 10 सही है। टोटल रिवेन्यू बाई क्यू यानी 10/1, 18/2, तो इस तरह से ही निकल जाएगा। और मार्जिन रिवेन्यू का मतलब होता है कि 10 में कितना जुड़ेंगे सर, ये तो 10 का 10 है, 10 में कितना जुड़ा, 8 जुड़ा है, 18 में कितना जुड़ा है सर, 6 जुड़ा है, 24 में कितना जुड़ा, 4। तो मतलब कि TRN - 18 में 10 घटा देंगे। तो आपको इतना समझ में आया, मतलब टोटल रिवेन्यू होता है, एवरेज रिवेन्यू होता है और मार्जिन रिवेन्यू होता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, प्राइस इक्वल टू एवरेज रिवेन्यू सर कैसे, ये देखिए ना, 10, 9, 8, 7, 6, 5 और ये तीनों तो इक्वल है, तो ये MCQ में बनेगा ही कि प्राइस इक्वल टू क्या होता है। तो एवरेज रिवेन्यू आपका पहला MCQ मैंने सॉल्व करवा दिया था, नोट डाउन कीजिए। सर, अब बात होता है मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। सर, मार्केट अगर ऑन बेसिस ऑफ कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपोली। परफेक्ट देखिए, कंट्री कंपटीशन के बेसिस पर परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट होते हैं। परफेक्ट मार्केट में आता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, और इम्परफेक्ट मार्केट में आता है मोनोपोलिस्टिक और ओलिजोपोली। ये चार्ट बनाइए और आज हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन पर। तो जल्दी से इसे चार्ट को नोट डाउन कीजिए। मतलब कुल मिला के 1, 2, 3, 4 प्रकार के मार्केट होते हैं, जिनका कैटेगरी परफेक्ट में 2, इम्परफेक्ट में 2। आइए सर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसका सर हम फीचर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, मतलब सर इस मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं। तो ऑप्शन अगर MCQ में आया तो भाई लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर किस मार्केट में होते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन। फ्रीडम ऑफ एंट्री नहीं, कोई भी इसमें मार्केट में आ सकता है और निकल भी सकता है। सर, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, मतलब सर सेम कैटेगरी का प्रोडक्ट होगा ना, समझ रहे हो कि नहीं, मतलब कि जितने भी लोग इस मार्केट में हैं वो सब एक टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। कितने टाइप का, एक टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। बायर हैव नो प्रिफरेंस ओवर सेलर, सर बायर को सेलर से लगाव नहीं है। बायर को मतलब कि ये नहीं है कि अब एक दुकान में भीड़ है, मान लीजिए आप कपड़ा की दुकान में गए तो एक दुकान में भीड़ पड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसी दुकान से लेंगे भीड़ में घुस कर, आप दूसरे दुकान में जाएंगे क्योंकि वो भी कपड़ा, अरे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मतलब कि एक ही दुकान, सब जगह एक ही दुकान है, एक ही कपड़ा का दुकान है सब जगह, तो दूसरे में जाएंगे जहाँ खाली होगा, क्या गलत बोल रहा हूँ क्या मैं, तो वही बात है, लॉजिक आप बिल्ड कीजिए। बायर हैव नो प्रिफरेंस ओवर सेलर। सर, फर्म, इसमें क्या होता है, फर्म जो है प्राइस टेकर होता है इंडस्ट्री प्राइस में, मतलब अब देखिए, आप अगर दुकान में सामान बेच रहे हैं तो आप कहाँ से लाओगे, इंडस्ट्री से, तो इंडस्ट्री प्राइस को बनाता है और आप जो है फर्म हैं, आप उस प्राइस को लेते हो, प्राइस टेकर। यू आर फर्म इज प्राइस टेकर, इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर, ये याद रखना है आपको। और यहाँ पर ई मतलब इलास्टिसिटी क्या होगा, इलास्टिसिटी, परफेक्ट इलास्टिसिटी मतलब इनफिनाइट, परफेक्ट इलास्टिसिटी, नोट डाउन कीजिए। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देखा, और ये याद रखिएगा परफेक्ट इलास्टिक, ई इक्वल टू इनफिनाइट, तो बस ये पॉइंट याद रखिए, आपका आज का हो गया। कल हम क्या सीखेंगे सर, कल सीखेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अंदर, हम प्राइस को कैसे बांटते हैं भाई। आज तो हमने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, तो ठीक है, नोट डाउन कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।